हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसकी मदद से हम केमिकल रिएक्शन की अक्रेंस का पता लगाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब बाहर निकलना। जब हम दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद यदि कोई गैस बाहर निकलती है तो हम ये कहेंगे कि रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये वाला जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4+H2। एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, एक कंबस्टाइल गैस, जिसकी वजह से हम एक जलती हुई माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के माउथ तक ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस और तेज फ्लेम के साथ बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हम हाइड्रोजन गैस की पहचान कर लेंगे। और हम क्या कहेंगे कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिक्स करने पर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले ये समझ लीजिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन से हो जाता है सेपरेट। सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, अलग। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो रिएक्टेंट हम लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। जब दोनों रिएक्टेंट को हम मिक्स कर देते हैं तब लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इस प्रेसिपिटेट को देखकर हम क्या कहेंगे कि दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। जो लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये होता है येलो कलर का, इसे आप ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो अब तक हम दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, चेंज इन कलर। जब हम दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद यदि कलर चेंज हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है पर्पल कलर का। जब इस पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड को हम डालते हैं तो इसका कलर पर्पल से हो जाता है कलरलेस, कलर चेंज हो गया। इस कलर चेंज को देखकर हम क्या कहेंगे कि सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट, इनके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन टेम्परेचर। जब हम दो से ज्यादा रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं
मिक्स करने के बाद यदि टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो हम ये कहेंगे दोनों रिएक्टेंट के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का बाहर निकलना, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगर केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप की होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एक और नाम होता है इसका लाइम। जब इस लाइम में हम वाटर मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, इसका दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। ये जो प्रोसेस होती है नेचर में होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जो है बाहर निकलती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हो जाएगा चेंज। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम कैल्शियम ऑक्साइड फिल करेंगे और क्या डालेंगे इसमें हम वाटर, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी और हीट बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से जब इस टेस्ट ट्यूब को हम टच करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, हॉट, गर्म हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन का पांचवा करैक्टरिस्टिक होता है चेंज इन स्टेट। जब किसी रिएक्टेंट की स्टेट चेंज हो जाती है और स्टेट चेंज होने पर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हम क्या कहेंगे कि रिएक्टेंट के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल किसकी बनी हुई होती है, वैक्स की। वैक्स कैसा होता है, सॉलिड। जब कैंडल बर्न होती है तब वैक्स सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, साथ में एक गैस और बाहर निकलती है। गैस कौन सी होती है, वो कार्बन डाई ऑक्साइड एक गैस होती है। तो आप यहां पर देखिए, कैंडल पहले सॉलिड थी, जब कैंडल बर्न हुई तो किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड और गैस, स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड थी पहले अब लिक्विड और गैस। तो इस स्टेट को देखकर हम क्या कहेंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कैंडल का जलना एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन के टोटल ये पांच करैक्टरिस्टिक हो जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। इन करैक्टरिस्टिक को देखकर हम केमिकल रिएक्शन की पहचान करते हैं। अगर किसी प्रोसेस में हमें इनमें से कोई एक करैक्टरिस्टिक दिखाई दे जाता है तो हम उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला एंड सिंबल इनकी हेल्प से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिलकर
जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को जब हम फॉर्मूले एंड सिंबल के साथ लिखेंगे तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ZN, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4, हाइड्रोजन गैस को H2। तो इस रिएक्शन को हमने फॉर्मूले की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। अब जो भी केमिकल इक्वेशन होता है, इस केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? ज्यादा इन्फॉर्मेटिव का मतलब हो गया कि केमिकल इक्वेशन से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहला मेथड होता है फिजिकल स्टेट। केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को उनके साथ लिखना। जैसे कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर गैस है तो उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? स्मॉल जी। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड होता है तो उसके लिए स्मॉल एस, अगर लिक्विड होगा स्मॉल एस एल, अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर में डिजॉल्व है, तो हम उसके लिए लिखेंगे AQ। तो ये किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का पहला तरीका हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनकी फिजिकल स्टेट को उनके साथ स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाए। ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का दूसरा मेथड होता है हीट चेंज। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो भी हीट चेंज आता है, उस हीट चेंज को भी उस केमिकल इक्वेशन में लिख दिया जाए। जैसे एग्जांपल CaO+H2, CaOH का होल ट्वाइस। इस केमिकल इक्वेशन में हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है तो हीट को हम किस साइड में लिखेंगे? प्रोडक्ट साइड में। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर प्रोडक्ट साइड में हीट लिखा हुआ है तो हम पहचान कर लेंगे कि केमिकल इक्वेशन नेचर में कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। फिजिकल स्टेट को भी मैं इसी में लिख देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारे पास सॉलिड, तो इसके साथ स्मॉल एस। वाटर कैसा होता है? लिक्विड, तो स्मॉल एल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में सॉल्यूशन होता है ये, तो इसके लिए लिखेंगे AQ। क्यों, कैसे बनाइए? वाटर में इसको मिक्स करके। किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने का तीसरा मेथड होता है बाय इंडिकेटिंग कंडीशन। कंडीशन का मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस स्पेशल कंडीशन में ही पॉसिबल होती हैं, तो उन स्पेशल कंडीशन को हम एरो के ऊपर नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2+Cl2, H2 hydrogen Cl2 chlorine। सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करती हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या हो गई? सनलाइट। सनलाइट अगर प्रेजेंस है तो ये रिएक्शन होगी, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जो कंडीशन है सनलाइट, उसको हम लिख देंगे एरो के ऊपर।
तो ये टोटल तीन मेथड हो गए जिनसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला हो गया फिजिकल स्टेट, दूसरा हो गया हीट चेंज। हीट चेंज से हमें एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक का पता चल जाता है। थर्ड हो गया बाई इंडिकेटिंग कंडीशन, कुछ केमिकल रिएक्शन स्पेशल कंडीशन में होती हैं, उन स्पेशल कंडीशंस को हम कहाँ लिखते हैं, एवब एरो। तो इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए, एक तो केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, और कौन सा पढ़ा हमने, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।